ये हैं बाबूराम भट्टराई। 2011 से 2013 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेपाल की वामपंथी राजनीति में काफी बड़ा नाम है। इनकी बात इसलिए हो रही है कि इन्होंने आज दो ट्वीट्स किए। आज सुबह इन्होंने ट्विटर पर सबको ईद की मुबारकबाद दी, लेकिन उससे ठीक पहले इन्होंने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि सर्कुलेटेड बाय माय क्लासमेट्स इन इंडिया, मतलब भारत में मेरे सहपाठियों द्वारा प्रसारित। अब जरा इस ट्वीट को गौर से देखिए। ट्विटर में एक तस्वीर है, पुरानी है। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो दूध चढ़ाते हुए दिख रहे हैं। इस तस्वीर के साथ लिखा गया है कि विश्वास खतरनाक चीज होती है, ये आपको दूध फेंकना और मूत्र पीना सिखाती है। अब ये समझ से परे है कि अचानक आज बाबूराम भट्टराई को क्या हुआ कि उन्होंने ईद के दिन हिंदू रीति रिवाजों का मखौल उड़ाने वाला ट्वीट डालना क्यों जरूरी समझा। ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर हिंदुओं के रीति रिवाजों से इतनी नफरत क्यों, उनके दिमाग में ये विचार क्यों आए कि ईद की मुबारकबाद देने से पहले किसी की श्रद्धा का मजाक उड़ाया जाए। इस ट्वीट का अब जमकर विरोध हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीवन गाथा लिखने वाले शांतनु गुप्ता ने ट्वीट कर लिखा कि अगर आप सोच रहे हैं कि बाबूराम भट्टराई के भारत में क्लासमेट्स कौन हैं, तो आपको बता दें कि बाबूराम 1986 में जेएनयू गए थे। उन्होंने ये भी कहा, हिंदुत्व में वैराग्य सीखने के लिए अपनी सबसे प्रिय और सबसे मूल्यवान चीजों का त्याग करना सिखाया गया है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के इस तरीके के बयान से काफी निराश हूँ। गौमूत्र में पाए जाने वाले औषधीय गुण अब दुनिया भर में स्वीकार किए जा चुके हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री अपने इस ट्वीट से अपनी वैज्ञानिक अज्ञानता का प्रमाण देते हैं। इनके अलावा एक और ट्विटर यूजर ने बाबूराम भट्टराई को करारा जवाब देते हुए लिखा कि नमाजवादी हर जगह हिंदू विरोधी हैं। खैर, जब दिमाग में ही जहर भरा हो और हिंदुओं के खिलाफ नफरत हो तो इंसान के विचार इसी तरह से बाहर निकलते हैं। ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि नेपाल वो देश है जहां लगभग 81% लोग हिंदू हैं। हिंदू धर्म यहां सबसे बड़ा धर्म है। बाबूराम भट्टराई नेपाल के सबसे बड़े माओइस्ट लीडर रह चुके हैं। काफी समय इन्होंने भारत में भी बिताया, दिल्ली के जेएनयू में पढ़ाई भी कर चुके हैं। 2011 और 2013 के बीच दूसरी माओवादी सरकार का नेतृत्व करने वाले बाबूराम भट्टराई नेपाल के गृह युद्ध का प्रमुख चेहरा रहे हैं। इस गृह युद्ध में करीब 17,000 लोग मारे गए थे। जहां एक तरफ बाबूराम भट्टराई हिंदू रीति रिवाजों पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बकरीद पर होने वाली कुर्बानियों को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं कि मेरी गुजारिश है, त्योहार के नाम पर जानवरों को मत काटो। दूसरे यूजर लिखते हैं कि आप अल्लाह को खुश कर रहे हैं या नाराज कर रहे हैं। वहीं तीसरे यूजर लिखते हैं कि पेटा जैसी संस्था बकरीद के दिन खामोश क्यों हो जाती है। आपको बता दें कि लाखों बकरों की एक साथ कुर्बानी पर्यावरण के लिए एक खतरे की घंटी समान है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ईद जैसे त्योहार को इको फ्रेंडली तरीके से मनाने पर अब चर्चा शुरू हो जानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.